हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आपको आज मैं बताऊंगा आईफोन और सैमसंग में अगर आपके मोबाइल सपोर्ट है ई सिम का तो आप कैसे उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगा, मेरे पास एयरटेल का सिम है और मैं उसको कैसे एक्टिवेट करूंगा, मैं आपको उसी के बारे में आज पूरा डिटेल से प्रोसेस में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एयरटेल ऐप्स को ओपन करना है। एयरटेल ऐप्स को ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको जैसे दिख रहा होगा मोर, मोर में जाकर टच करना। उसके बाद देखिए अपग्रेड टू ई सिम, उसमें टच करना है। उसको टच करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और आपका डिवाइस में चाहिए या अदर डिवाइस में चाहिए, और उसके बाद ईआईडी नंबर। ईआईडी नंबर कहाँ से मिलेगा आपको, ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको ईआईडी नंबर कहाँ से फिल करना है यहाँ पे। तो दोस्तों, इसको मिनिमाइज कर लिए। मिनिमाइज करने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद अबाउट में जाना आपको। अबाउट में आप स्क्रॉल डाउन करिए। उसके बाद देखिए नीचे आपको ईआईडी नंबर दिखेगा, उसको वहाँ पे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद मिनिमाइज करके फिर एयरटेल ऐप्स में चले जाइए और उसको ईआईडी नंबर पे आप जाके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, मोबाइल नंबर पे। उस ओटीपी के ओटीपी को इसमें डाल दीजिए और उसके बाद विथ इन हाफ आवर के अंदर आपका वो ई सिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही आसान प्रोसेस है और आप एयरटेल को सिम को आराम से ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी कर चुका। तो दोस्तों, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।